राम राम किसान भाइयों, वेलकम टू अनमोल किसान। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जो खरीफ की फसलें होती हैं उनमें रस चूसक कीटों के बारे में। तो रस चूसक कीटों की श्रेणी में एफिड्स आते हैं, जासिड्स आते हैं, उसके अलावा थ्रिप्स आते हैं। इनका अटैक जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, उमस बढ़ती है, उस समय इनका अटैक बढ़ जाता है। अगर हम एफिड की बात करें, थ्रिप्स की बात करें, तो एफिड्स थोड़े काले रंग के होते हैं और थ्रिप्स हरे रंग के होते हैं। ये पौधे की टहनियों और जो तना होता है, उन पत्तियों होती हैं, उन पर लग जाते हैं और पौधे का जो रस होता है उसको चूस लेते हैं। रस को चूसने की वजह से जो पौधा होता है उसकी वृद्धि प्रभावित हो जाती है, उसका उत्पादन प्रभावित हो जाता है, उसमें अच्छे फूल नहीं आते, उसका अच्छा जो फलियाँ होती हैं अच्छी फलियाँ नहीं बनती हैं और काफ़ी नुकसान किसान भाई को झेलना पड़ता है। तो जो ये कीट होता है इससे बचाव करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये जो कीड़ा है, ये जैसे आपको अपने खेत में दिखाई देने लगे, आप कुछ रसायन आते हैं उनको इस्तेमाल करके आप इससे बच सकते हैं। जैविक तरीके की बात करें तो आप जो नीम की निमोली होती है उसका खस निकाल सकते हैं, उसका रस निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा नीम ऑयल आता है, उसका इस्तेमाल करके भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। कुछ केमिकल्स आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो डायमेथोएट आता है 30%, उसको स्प्रे करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर आपके पास डायमेथोएट 30% नहीं है तो आप थाइमेथोक्सोम होता है 25%, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप इमिडाक्लोप्रिट 17.5% का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो मोनोक्रोटोपोस 36% होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्जिनेमेटोन मिथाइल अगर आपके पास 25% वाला है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर मत भूलिएगा। साथ में जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।